हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल ग्लैम लुक शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से सिंपल आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं, विंग लाइनर, और उसके साथ आप अगर रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई करें तो पूरी लुक डिफरेंट हो जाती है और बहुत ही ग्लैम लगती है, एज यू कैन सी। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरह से आप विंग लाइनर क्रिएट कर सकते हैं और साथ में आप किस तरह से रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई करके पूरी लुक को ग्लैम कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं ब्राउज के लिए कलर पॉप की आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ और सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज को लाइन कर लूंगी। तो आप पहले अपने लोअर पार्ट को इस तरह से लाइन कर सकते हैं और फिर जितनी मुझे थिकनेस चाहिए उस हिसाब से मैं अपर पार्ट को लाइन कर लूंगी। और फ्रंट पार्ट में मैं इस तरह से फ्लिक कर रही हूँ, अपवर्ड स्ट्रोक दे रही हूँ और बाद में जो भी एम्प्टी स्पॉट्स होंगे उनको मैं फिल कर लूंगी सेम पेंसिल के साथ। तो अगर आप बिगिनर हैं आप पेंसिल ही यूज करें। अब लेट्स मूव ऑन टू द फेस। तो सबसे पहले मैं ये रोज गोल्ड एलिक्सिर यूज कर रही हूँ O2O कॉस्मेटिक्स का और मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी और एज अ मॉइस्चराइजर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप 10 मिनट्स तक वेट करें ताकि अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। प्राइमर के लिए मैं रिमल का फिक्स एंड परफेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और मैं अच्छे से अपनी टी जोन पे अप्लाई कर लूँगी और मैं मोस्टली फोकस करती हूँ प्राइमर को अपनी टी जोन पे क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी स्किन पूरी ऑयली रहती है तो आप अपने पूरे फेस पे अच्छे से प्राइमर अप्लाई करें। अब मैं रिमल का लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ और इस तरह का ओवल ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी। तो लिक्विड इल्यूमिनेटर मैं मोस्टली फाउंडेशन से पहले अप्लाई करती हूँ। आप चाहें तो आप लिक्विड इल्यूमिनेटर को फाउंडेशन में मिक्स भी कर सकते हैं। लिक्विड इल्यूमिनेटर हाइलाइटर से थोड़ा लाइट होता है और बहुत ही लाइट आपको ग्लो दे देगा आपके फेस पे। फाउंडेशन के लिए मैं टार्ट कॉस्मेटिक्स की शेप टेप फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है और मेरा शेड है मीडियम टैन। स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है उसके लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है आप इसी में मैट फाउंडेशन भी आती है शेप टेप में तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो ओवल ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपने फेस पे इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है फाउंडेशन। कवरेज वाइज इट्स मीडियम टू फुल कवरेज। आप चाहें तो आप दो लेयर्स अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन की अगर आपको फुल कवरेज चाहिए। अगर आपको फुल कवरेज नहीं चाहिए तो स्टिक टू वन लेयर। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है फाउंडेशन। नाउ कंसीलर के लिए मैं फेंटी ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ और मेरा शेड है 220। तो मैं अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लूंगी, अपने नोज पे, चिन पे। तो मोस्टली मैं फोकस कर रही हूँ अपने सेंटर ऑफ फेस पे क्योंकि मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस को। और उसके बाद स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी एंड अगेन ये वाला कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मीडियम टू फुल कवरेज है। अगर आप दो लेयर्स अप्लाई करेंगे तो आपको फुल कवरेज देगा ये कंसीलर। तो आप ट्राई कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। नाउ सेट करने के लिए मैं फिटमी का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप प्रेस पाउडर से भी सेट कर सकते हैं अपने फेस को बट मैं हल्का सा बेकिंग करना चाहती थी तो इसलिए मैं लूज पाउडर यूज कर रही हूँ। और मेकअप वेज की हेल्प से मैं अपने अंडर आईज पे अप्लाई करूंगी इस तरह से, तो इससे कंसीलर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। हल्का सा मैं नोज पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इस तरह से चीक बोन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर लूंगी एक्सेस पाउडर को। नाउ ब्रॉन्ज अप करने के लिए फेस को मैं कलर पॉप का ये वाला ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ। ये अब द आंटे ब्रॉन्जर हाईलाइटर पैलेट है और ब्रश की हेल्प से इस तरह से मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी। मैं वॉर्म ऐड कर रही हूँ अपने फेस पे तो आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा भी अप्लाई कर सकते हैं बट मैं बहुत ही लाइटली अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इस तरह से फोरहेड पे अप्लाई कर लूंगी। तो कलर वाइज ये बहुत ही अच्छा शेड है स्पेशली इंडियन स्किन टोन के हिसाब से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। मैं हल्का सा नोज की साइड पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं नायका का ब्लश यूज कर रही हूँ। मैं दोनों ब्लशेस को मिक्स कर लूंगी
और ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं अपने एप्पल्स पे अप्लाई करूँगी इस तरह से। तो इसलिए मैंने मिक्स किया है ताकि थोड़ा सा ब्राइट कलर आ जाए मेरे फेस पे। हाइलाइटर के लिए मैं O2O का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ वेरी वेरी गुड हाइलाइटर। और हाइलाइटर ब्रश की हेल्प से मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी इस तरह से। तो कलर वाइज बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। हल्का सा मैं फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं सेम कलर पॉप का ब्रॉन्जर ले रही हूँ और मैं इसको अप्लाई करूंगी एज माई ट्रांजिशन कलर। तो थोड़ा सा अपने आईज में डेफिनेशन ऐड करने के लिए मैं हल्का सा अप्लाई करती हूँ। आप चाहें तो आप ब्रॉन्जर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं हाइलाइटर ले रही हूँ सेम पैलेट में से, और स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई करूंगी इस तरह से, टू हाइलाइट माई ब्राउ बोन। अब मैं मेबेलिन का जेल लाइनर यूज कर रही हूँ, और आईलाइनर ब्रश की हेल्प से मैं विंग लाइनर क्रिएट करूंगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको नॉर्मल, जिस तरह से आप आईलाइनर अप्लाई करते हैं, तो आप क्लोज टू योर लैश लाइन आप आईलाइनर अप्लाई करें। अब सेकेंड स्टेप है जहां पे आपकी वाटर लाइन एंड होती है, वहां से आपको लाइन एक्सटेंड करनी है इस तरह से। और थर्ड स्टेप है आपको दोनों लाइंस को कनेक्ट कर देना इस तरह से। अब लास्ट में मैं फिल कर लूंगी आईलाइनर को। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको उससे आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। ऑन टॉप ऑफ जेल लाइनर मैं मोस्टली लिक्विड लाइनर्स यूज करती हूँ, तो उसके लिए मैं एसेंस का लिक्विड इंक लाइनर यूज कर रही हूँ। और अगेन मैं सेम स्टेप्स रिपीट करूंगी, पहले मैं अपनी लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी, और उसके बाद मैं सेम विंग क्रिएट करूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाटर लाइन, जहाँ पे मेरी वाटर लाइन एंड होती है वहां से आपको शुरू करना है। और उसके बाद सेम मैं दोनों लाइन्स को कनेक्ट कर लूंगी, और मैं बाकी लाइनों को फिल कर लूंगी इस तरह से। अब काजल के लिए मैं जेल लाइनर ही यूज कर रही हूँ मेबेलिन का। आप चाहें तो आप कोई भी काजल पेंसिल यूज कर सकते हैं। अब कलर पॉप का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं, और मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी टू हाइलाइट माई इनर कॉर्नर्स। पहले मैंने हल्का सा येलो आई शेडो अप्लाई किया था, बट आप स्किप कर दें क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे मैं थोड़ा सा शैम्पेन कलर का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ब्रॉन्जर लूंगी कलर पॉप का, और मैं स्मज करूंगी इसको ऑन माय लोअर लैश लाइन। मैं सेम ब्रॉन्जर ले रही हूं और थोड़ा सा मैं रीअप्लाई कर लूंगी अपनी क्रीज में इस तरह से। अब मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर लूंगी विद एन आई लैश कर्लर। ये वाला वेगा का है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, आप चेक जरूर कर लें। मस्कारा के लिए मैं बेनिफिट का रोलर लैश मस्कारा यूज कर रही हूँ, और मैं अच्छे से अपनी लैशेस को कोट करूंगी। फॉल्स लैशेस के लिए मैं फुल एंड लैशेस यूज कर रही हूँ, और मैंने पहले लैशेस पे लैश ग्लू अप्लाई की थी, उसके लिए मैंने आडल की लैश ग्लू यूज की है। और मैं इस तरह से सेंटर पे रखूंगी, और थोड़ी देर वेट करें आप, और उसके बाद एज ऑलवेज आप एंड को स्टिक करें, तो बहुत ही इजीली आपकी लैश जो होगी वो स्टिक हो जाएगी आपकी आईज पे। अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लो फिक्स मेकअप सेटिंग्स पे यूज कर रही हूँ, ताकि मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। लिपस्टिक के लिए मैं कलर पॉप की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, दिस इज इन द शेड एम्बुश। इट्स अ ट्रू रेड कलर एज यू कैन सी, बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आप साड़ी पहनते हैं और आप सिंपल विंग लाइनें क्रिएट करना चाहते हैं, उसके साथ आप रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई करें तो पूरी लुक अलग हो जाती है, पूरी लुक डिफरेंट हो जाती है। और आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ओकेजन के लिए, और अगर आप लाइट कलर की लिपस्टिक अप्लाई करें तो आप हर रोज के लिए भी इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइस। आई रियली होप आप लोगों को ये विंग लाइनर ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आपको रेड लिपस्टिक के साथ पसंद आया होगा। आप चाहें तो आप लाइट कलर की लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं एज आई सेड, बट स्पेशली विंग लाइनर जब आप रेड कलर की लिपस्टिक के साथ अप्लाई करते हैं बहुत ही लुक क्लासिक हो जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखें, और अगर आपको लुक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।